हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनीताज नितिन। देखिए, मैं आपके लिए कितना प्यारा और सुंदर डिज़ाइन बना कर लेकर आई हूँ, जिसे बनाने के लिए मैंने 23 फंदे लिए हैं और सात फंदों का ये पैटर्न है और 5 सिलाइयों में ये कंप्लीट हो जाता है। जिसे बनाने के लिए हम ऐसे बनाएंगे, देखिए, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे, दो, तीन, चार और ये पांच, दो फंदे उल्टे पांच फंदे सीधे। इसी तरह से सिलाई को कंप्लीट कर उल्टी सिलाई में देखिए इस तरह से बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, जाली लपेटते हुए ऐसे, एक फंदा उल्टा, फिर से जाली लपेटेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से जाली लपेटेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से जाली लपेटेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर जाली बनाते हुए इस तरह से जाली बनाएंगे, दो फंदे सीधे, फिर से धागा ऊपर, एक फंदा उल्टा, दो जाली बनाते हुए एक फंदा उल्टा, फिर से जाली बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से जाली बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से जाली बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर जाली बनाते हुए दो फंदे सीधे, इस तरह से एक फंदा उल्टा, जाली बनाते हुए एक फंदा उल्टा, फिर से जाली बनाते हुए एक फंदा उल्टा, फिर से जाली बनाते हुए एक फंदा उल्टा, जाली बनाते हुए एक फंदा उल्टा, फिर से जाली बनाते हुए दो फंदे सीधे, और एक फंदा एड स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे। उल्टी सिलाई में आप देखिए कैसे करेंगे, सॉरी सीधी सिलाई में एक फंदा ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, दो फंदे उल्टे, फिर जाली को इस तरह से छोड़ देंगे, नीचे गिरा देंगे और धागे को फंदे को इस तरह से खींचेंगे, फिर से इस तरह से करेंगे, इस तरह से खींचेंगे, जाली छोड़ देंगे, फिर से ऐसे ही करेंगे, पांच फंदे हो गए हैं। धागा नीचे कर लेंगे, इस तरह से, फिर इस तरह से धागे को निकालेंगे, फिर इस तरह से धागा लपेटेंगे, फिर से सिलाई डालेंगे। ये देखिए तीन फंदे बन गए हैं, एक, दो, तीन, फिर से धागा ऊपर करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से उल्टा, फिर से वही पीछे जैसे किया था वैसे ही रिपीट करेंगे, जाली छोड़ेंगे, फिर इस तरह से धागे को खींचेंगे, यानी कि फंदे को खींचेंगे, इस तरह से जाली गिराते हुए फंदे को खींचेंगे और ये हमारे पांच फंदे हो जाएंगे। फिर इस तरह से धागा निकालते हुए इस तरह से फिर से जाली लपेटेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। दो फंदे उल्टे, इसी तरह से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, फिर इस तरह से बनाएंगे चौथी सिलाई। दो फंदे सीधे, यानी कि रॉन्ग साइड से ही ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। फिर ये जाली बनाते हुए
उल्टा फंदा बुनेंगे, दो और ये तीन, फिर जाली बनाते हुए दो फंदे सीधे, फिर जाली बनाते हुए एक फंदा उल्टा, यानी कि तीन फंदे उल्टे, फिर ये इस तरह से बना लेंगे सीधा फंदा, फिर से सीधा फंदा बनाएंगे, यानी कि दो फंदे सीधे हैं हमारे, फिर जाली बनाते हुए इस तरह से बना लेंगे तीन, और फिर इस तरह से फंदे बना लेंगे। ये देखिए हमारे फिर से पांच फंदे होंगे, पहले तीन थे, अब ये जाली डालने के कारण पांच फंदे हो गए हैं। इस तरह से बनाएंगे, दो फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और ये पांच। दो फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे, पांच, दो फंदे उल्टे। इसी तरह से ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। फिर से पहली सिलाई रिपीट करेंगे, दो फंदे सीधे और ये इस तरह से धागा उल्टा फंदा बुनेंगे, और इस तरह से जाली बनाते हुए एक फंदा उल्टा, फिर 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 जाली बनाते हुए दो फंदे सीधे। इसी तरह से ये सिलाई कंप्लीट करेंगे और हमारा पैटर्न इस तरह से बना हुआ दिखाई देगा। देखिए कितना प्यारा और सुंदर डिज़ाइन है। इसे बनाने के लिए 23-24 फंदों की आवश्यकता है और 7 फंदों का पैटर्न है और 5 सिलाइयों में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें अवश्य।